धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि। और भाई साहब, आज मैं हूं दिल्ली में मोती नगर एरिया में और आपको दिखाने लाया हूं बेड़मी पूरी। और भाई, श्रीराम पूरी वालों की जो पूरी है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऐसा क्या खास है कि यहां पे भाई साहब भीड़ लगती है? आपको सब दिखाते हैं, सब बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। भाई आज नेक्स्ट लेवल। भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। भैया थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। वेलकम भैया। आपका नाम? राहुल। राहुल जी, तो राहुल भाई जो है आप शायद थर्ड जनरेशन है यहाँ पे? सेकंड। आपके पिताजी ने शुरू किया था? हाँ जी, हमारे फादर। तो इनके पिताजी ने शुरू किया और अभी राहुल भाई जो है साथ साथ में काम करते हैं और साथ साथ में बढ़िया खाना जो है वो खुद भी खाते हैं। आप भी खाते हैं? खुद भी। पहला नाश्ता हमारा यही है सुबह। बहुत बढ़िया। सर मुझे बताइए, दुकान कितनी पुरानी है, कैसे शुरू हुई और क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? हमारी दुकान जो है 25 साल पुरानी शॉप है हमारी मोती नगर की। यहाँ पे हमारी जो फेमस है बेड़मी पूरी। बेड़मी पूरी? हाँ जी, बेड़मी पूरी, छोटी कचौड़ी। हमारी जो और आइटम है भटूरे, छोले भटूरे हैं, पनीर ब्रेड पकौड़ा, सादा ब्रेड पकौड़ा जी, और आलू समोसा और बड़ी कचौड़ी खस्ता। बड़ी कचौरी खस्ता? हाँ जी। अरे वाह, ये तो बड़े मजे से बता रहे हैं आप। तो जरा अभी दिखाई दीजिए क्या क्या पड़ा है सर सामने। ये हमारे समोसे हैं जी, ये पनीर ब्रेड है और ये सादा ब्रेड है। पनीर वाली आपने खोल के रखी हुई ताकि पता चल जाए। ये हमारी छोटी कचौड़ी है जी, ये क्रिस्पी होती है हमारी, करंच और क्रिस्पी। और ये है हमारी बड़ी कचौड़ी। ये बड़ी कचौरी खस्ता और ये छोटी कचौरी क्रिस्पी। और सर इधर क्या पड़ा है जो लेफ्ट में मैं देख रहा हूँ, इधर जो छोले और आलू है? ये हमारे छोले भटूरे हैं। अच्छा, छोले भटूरे भी रखते हैं? मतलब दिल्ली वाले अगर नाश्ता करने निकले तो श्रीराम पूरी वाले पे ही आ जाए और कहीं जाए ना। सारी आइटम आपको अवेलेबल मिलेंगे यहाँ। बहुत बड़े, एक बार छोले जरा चला के दिखाइए सर। ये देखो एकदम गाढ़े ग्रेवी वाले छोले और ये एकदम बढ़िया बनाए हुए, बगैर तेल वाले नहीं है। नहीं, इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह होता है इसमें। थोड़ा ये निकाल के दिखाइए, जो ऊपर से पहाड़ इकट्ठा करा है यहाँ पे, थोड़ी लैंडस्लाइड कराइए। ये देखो, ये है जी बढ़िया छोले एकदम। और सर कितने घंटे लगाते हैं इसको पकाने में? ये हमारे लगते हैं इसमें 2.5 घंटे। 2.5 घंटे? हाँ जी, छोला भीगने में मतलब पूरी रात लगती है जी, और जब सुबह बनता है 2-3 घंटे इसको लगते हैं बनाने में। बहुत ग्रेवी वगैरह सब कुछ करते हैं। और ये पीछे जो है भटूरे के लिए कढ़ाई है? ये भटूरे की कढ़ाई है, इधर भटूरे की है। हाँ, और इधर बेड़मी पूड़ी। बेड़मी पूड़ी जो फेमस है हमारी। और राहुल भी एक चीज बताइए कि बेड़मी पूड़ी और नॉर्मल पूड़ी में क्या फर्क होता है, अंतर क्या होता है? बेड़मी पूड़ी होती है ना दानेदार होती है, ये इसके अंदर मतलब एमपी कांटे के हम जो बनाते हैं जी, दानेदार होती है खाने, थोड़ा दरदरा होती है। दरदरा होती है ये खाने, मतलब स्वाद थोड़े क्रिस्पी करारी पड़ती है। जो जैसे गेहूं का जो छिलका होता है कहते हैं वो भी आता है इसमें? मतलब नहीं, छिलका नहीं आता इसमें, जो गेहूं के दाने का छिलका होता है। हाँ, गेहूं का दाना। जी जी जी, गेहूं का दाना फुल। ये आटा अलग ही पिसता है हमारा। अच्छा, इसको थोड़ा मोटा पिसवाते हैं। आइए सर इधर ही आ जाइए, खाते हैं। तो ये है जी वो बेड़मी पूड़ियाँ जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये थोड़ी दरदरी होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती है ना? हाँ जी, खाने में भी थोड़ी हैवी होती होंगी। थोड़ी हैवी और क्रिस्पी है खाने। दो पूड़ी में पेट भर जाएगा आराम से। और इसमें अंदर कोई पीठी भी रहती है? पीठी की रहती है, उरद की दाल की। उरद की दाल की पीठी रहती है भाई, और प्रेपरेशन बहुत ही जबरदस्त रहती है। और सर समोसे और ब्रेड कैसे सर्व करते हैं, चने के साथ या वैसे ही? आलू की सब्जी के साथ होते हैं। सर एक प्लेट लगा के दिखा दीजिए दोनों की। ये देखो, ये आ गई ब्रेड और साथ में ये सर क्या क्या डाल रहे हैं? ये अचार, मिर्ची, अचार, घिया मिर्ची का अचार, ये साथ में आलू की सब्जी और अचार, घी का, मिर्ची का, और ये आपकी ब्रेड वाली जो पनीर ब्रेड, पनीर ब्रेड है वो बनके तैयार है। कितने की प्लेट है सर ये? ये 35 रुपये सिंगल पीस है। 35? 35 रुपये का सिंगल पीस। हाँ जी। और सर समोसा भी ऐसे ही देते हैं? समोसा भी ऐसे ही होता है वो हमारा, समोसा 15 रुपये सिंगल पीस है। अच्छा। हाँ जी जी। और एक बार इधर भी आ जाइए जरा, जो खस्ता कचौरी है और जो क्रिस्पी कचौरी है, दोनों के बारे में बता दीजिए। ये हमारी छोटी कचौरी है, एक प्लेट में हमारे 5 पीस आते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? ये एक प्लेट में 5 पीस आते हैं। एक प्लेट में 5 पीस? हाँ जी सर, पहलवान खाने आते हैं। एक प्लेट में 5 पीस भी देते हैं सर? छोटी रहती है, आराम से खा लेते हैं। ये वाले 5 पीस आएंगे ऐसे हमारे भाई, ये एक प्लेट में 5 पीस देते हैं कचौरी के। और इस कचौरी की प्रेपरेशन थोड़ी बता दीजिए, क्या डालते हैं इसमें? इसके अंदर मतलब दाल की फिलिंग होती है इसके अंदर। अच्छा, दाल है उसकी पिट्ठी बनी होती है, तो वो उसके अंदर फिलिंग होती है जी, जिसे थोड़ी करारीपन लगे। मसालेदार है, करारी है। और ये वाली कैसे होती है सर? इसमें भी हमारी उड़द की दाल की फिलिंग होती है जी, इसमें काफी ज्यादा होती है। अच्छा, उड़द की दाल, सौंफ हो गई जी, बेसन हो गया जी, इसके अंदर जो खाने में से सौंफ से
क्यूटनेस लगती है जी, तो ये वो है, ये हमारी बड़ी कचौड़ी है। राहुल भैया जैसे दो बच्चे होते हैं ना, और एक बच्चा थोड़ा दिल को ज्यादा प्यारा होता है, मुझे लग रहा है आपको ये वाले ज्यादा प्यारे हैं ना। हमारी सबसे फेमस है बेडमी पूरी, सबसे फेमस बेडमी पूरी राहुल भैया को पसंद है, खस्ता कचौरी बड़े वाली। बिल्कुल भैया, बहुत ही बढ़िया। और एक बार ये सब्जियां भी चला के दिखा दीजिए राहुल भैया, ये क्या क्या डालते हैं इसमें? ये हमारे आलू की सब्जी है इसके अंदर, ये है जी आलू की सब्जी। और ये इसमें सर ऑयल रहता है, विदाउट ऑयल होती है? विदाउट ऑयल होती है, विदाउट ऑयल है। और इसमें क्या क्या मसाले रहते हैं? जो लगता है ना थोड़ा बहुत ऑयल का लगता है जी जी जी। छोका मतलब यूपी वाला है, जो यूपी एकदम बढ़िया यूपी वाला छोका लगता है। ये हमारे छोले रहते हैं, ये है जी छोले, ये मुझे विदाउट ऑयल लग रहे हैं सर। इनमें भी ये भी विद ऑयल है, वाह बहुत बढ़िया। और ये हमारी पुरानी दिल्ली की मेथी की चटनी है जी, पुरानी दिल्ली की मेथी की चटनी, मेथी की चटनी पुरानी दिल्ली वाली। हाँ जी वो भी रखते हैं आप? हाँ जी। वाह यार बहुत ही बढ़िया। जो बेदमी पूरी है ना उसकी एक प्लेट लगवाते हैं और वो हम ट्राई करते हैं सर। बिल्कुल जी। तो भैया मैं आपके पास इधर इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता था एक बार दिखाऊं कि पूड़ियों की प्लेट लगती कैसे है, तो जरा बताइए कि क्या क्या डालते हैं इसमें। ये हमारी बेडमी पूड़ी है, ये घी का अचार है और ये मिर्ची का अचार है। घी का अचार और मिर्ची का अचार, वाह जी वाह। और ये पूड़ियों की प्लेट है सर, एक बार सब्जी भी दिखाइए। इधर देखो भाई सब्जी लगाने का अंदाज देखना आप, ये आ गई जी आलू की सब्जी और बीच में ये आ गए छोले। और भैया मैं सच्ची बताऊं मैं इधर क्यों आया हूँ, ये मेथी वाली चटनी जो है ना चांदनी चौक की, ये बुला के लाइए मुझे। तो ये सूखी मेथी होती है? हाँ जी कचरी मेथी इसके अंदर। और ये एक प्लेट कितने की है सर? ये 50 रुपये प्लेट, 50 रुपये की प्लेट है, इसमें दो पूड़ियाँ। और सर सब्जी दोबारा डलवा सकते हैं? हाँ जी जितनी बार मर्जी। क्या बात है, के लिए कोई मना नहीं, सब्जी के लिए कोई मना नहीं है भाई, जितनी बार मर्जी डलवा लो। और साथ में ये पूड़ियाँ हैं जी, जबरदस्त प्रेपरेशन है। और भैया एक बार लोकेशन जरा बता दीजिए। ये DLF मोती नगर पिलर नंबर मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 316 जी। और टाइमिंग आपकी? टाइमिंग सुबह 7 to 8:30, 7 to 8:30। और बेडमी पूरी पूरा दिन मिलेगी? बेडमी पूरी 4 बजे, 4 बजे तक। बहुत जबरदस्त यार। भाई ये देखो एकदम बढ़िया गुब्बारे की तरह फूल गई हैं। और उस्ताद जी जो है आगरा से आए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रेपरेशन करते हैं, गोल्डन ब्राउन जो है वो पूड़ियाँ हो गई हैं। और भाई देख के बहुत ही मजेदार लग रही हैं, क्योंकि ये करारी वाली पूड़ियाँ, दरदरी पूड़ियाँ, ये आम सॉफ्ट पूड़ियाँ नहीं है। जब तक ये घर पहुँचती होगी तब तक करारी रहती होगी, ऐसी दरदरी है ना, ये सॉफ्ट नहीं पड़ती होगी। सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा हो जाती है, उसका खाने का मजा है, गरम गरम है। वाह तो अगर आपके पास खाना है तो इधर भैया के पास ही आ जाओ और यहीं पे खाओ। भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो आप दिल्ली देखो, इधर पूरी भीड़ लगी हुई है, कोई सिग्नल है या तो। और इधर हम कर रहे हैं जी ये बढ़िया वाला स्वाद बटांदरा। पहले मैं आपको पूड़ी दिखाता हूँ, ठीक है? पूड़ी देखना आप, ये लो जी, ये रखिए एक के ऊपर। भाई पहले तो कम से कम 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, उसके बाद हाथों में भी हम 80 डिग्री लेने वाले हैं। ये देखो, ओ भाई ये है, ये जो है ना इससे पता चलता है आपको कि ये है बेदमी पूड़ी। आगरा में इसको बेड़े ही कहते हैं और यहाँ पे इसको कहते हैं बेदमी पूड़ी। और भाई यहाँ से एक बाइट लेते हैं, बढ़िया सी ज़बरदस्त सी, ये देखो बाइट के अंदर ना सबसे जो ख़ास बात है वो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखो जो आटा है ना इसका, ये दरदरा रहता है, एकदम बढ़िया थिक, जैसे कहते हैं ना कि मोटी रोटी खाओ, ये मोटी पूड़ी है। बाइट बनाते हैं जी यहाँ से, ये है जी एक बाइट, ये देखो ये हमने डिप करी इसके अंदर। Here goes. Here's a bite of the bedmi puri. यहाँ की बहुत ही ज़्यादा special. Here goes. भाई साहब जो पूरी है उसका जो स्वाद है, मतलब ये जो bite है ना, आपको इसको bite करने में time लगेगा, बहुत ही ज़्यादा उम्दा preparation है। जो आलू की सब्जी है एकदम चटाकेदार मसालेदार है, और भाई जो छोले डाले हुए हैं वो भी एकदम नमकीन मसालेदार spicy, मतलब तगड़े, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रेपरेशन है। और बेडमी पूड़ी के साथ अगर आपको ये घी का अचार मिल जाए ना, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। दिल्ली में अगर आप नाश्ता करना चाहते हो तो भाई पीछे दुकान है श्री राम पूरी वाले मोती नगर में, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। प्रदीप जी आपकी कोई याद जो इस दुकान से जुड़ी हुई हो? सर हम पिछले 13 साल से यहाँ पे खाना खा रहे हैं जी। पहले ये पीपल के पेड़ के नीचे होते थे, they shifted the shop and made it big, but the food is same, it's amazing.